आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार टेस्ट सिखाऊंगा जिससे हम लोग पता करते हैं कि हमारे सिर में जो छोटा दिमाग है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आपको करना यह है कि आपको अपनी आंख बंद करनी है इस तरीके से, और फिर ये उंगली को सामने रखना है और दूसरे हाथ से इस नाक को और इस उंगली को बार बार टच करना है और इस उंगली का पोजिशन हमेशा चेंज करना है। इस तरीके से आपको करना है। इस टेस्ट से कोऑर्डिनेशन का पता चलता है, जो छोटा दिमाग जो पीछे की तरफ होता है वो करता है। आप लोग भी करके देख सकते हैं। वो लोग जिनको सेरिबेलम या छोटे दिमाग की प्रॉब्लम होती है वो ये टेस्ट नहीं कर पाते हैं और पॉजिटिव आ जाता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, डाइजेशन ठीक करना है और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद और आधा नींबू ले लो। इसको 2-3 महीने लगातार लेना है, 1-2 दिन में फर्क नहीं दिखेगा। दोस्तों, अंडकोश में अगर इस तरीके से पानी भर जाता है तो उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। ये क्यों होता है इसको समझाना वीडियो में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका इलाज आप लोगों को बता देता हूँ। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से होता है, जिसे हम इवर्जन ऑफ सैक ऑपरेशन कहते हैं। बहुत सारे लड़के ऑपरेशन से डरते रहते हैं और पता नहीं कौन सी दवाई खाते रहते हैं और बीमारी को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसलिए उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसमें इनफर्टिलिटी का कोई रिस्क नहीं होता है और स्पर्म काउंट में भी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए अगर आप लोग इससे डरते हैं ऑपरेशन से, तो बिल्कुल मत डरिए और जाकर अपना ऑपरेशन कराइए अगर आपको ये बीमारी है तो। सुंदर, जवान और आकर्षक दिखने के लिए आपको अपना वजन कम करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप SBL बी ट्रिम वेट मैनेजमेंट का यूज करें और किसी भी बीमारी के मुफ्त इलाज के लिए मुझे फॉलो करें। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाली बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। ये बीमारियां कॉन्डोम से बहुत हद तक रोकी जा सकती हैं। ये बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे HIV या एड्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियोसिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, स्कैबीज, मोलस्कम कॉन्टैजियोसम। मैं इन बीमारियों को डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊं। अगर इंसान को लगता है कि वो बीमार है पर एक्चुअली में वो बीमार नहीं होता है, उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करता रहता है और बोलता रहता है कि मैं बीमार हूँ, तो ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। कौन से टाइम पर इंटरकोर्स करने से बच्चा नहीं होगा और कौन से टाइम पर प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो दोनों के लिए ही जरूरी है, जिनको बच्चा नहीं चाहिए और जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको मेंसेस पहले दिन होते हैं तो ओव्यूलेशन यानी अंडा जो बनता है वो 14वें दिन पे बनता है, तो सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो 12वें और 13वें दिन पे होते हैं। वैसे ये पूरा हफ्ता ही फर्टाइल पीरियड होता है, 8 से लेकर 17 तारीख तक, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी दिन सेफ होता है। मेंसेस के शुरुआती दिन जो 1 से लेकर 5 तक होते हैं, 6-7 तक होते हैं, वो सेफ होते हैं और 18 से लेकर 28-30 दिन तक भी सेफ होता है। अगर 18 साल से ऊपर की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे बच्चा नहीं चाहिए तो वो अपनी मर्जी से अपना सहमति देकर एबॉर्शन करा सकती है। इसमें उसके माता पिता का, पति का या पति के माता पिता का कोई रोल नहीं होता। उसे किसी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर से डायरेक्ट जाके अपनी बात कह सकती है। उस डॉक्टर या हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखा जाए। अगर आपको पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम है तो आप कुछ इस तरीके से हल्के गर्म पानी में बैठकर सिट्स बाथ कर सकते हैं। ये 3 से 4 बार दिन में करना है 15 से 20 मिनट के लिए, और ये वाला मलहम भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों से ही काफी आराम मिल जाएगा। खाने पीने में आपको सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना है और मिर्च और मसाले वाली चीज आपको अवॉइड करनी है। ऐसी जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों में डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सिर में दर्द होता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, मुंह सूखा होता है, प्यास बहुत लगती है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, पेशाब कम बनता है और गाढ़ा होता है। अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम होती है तो पानी खूब सारा पीजिए, जूस पीजिए। डिहाइड्रेशन के बारे में जानकारी के लिए मुझे TikTok पर फॉलो कीजिए। फीमेल फिटिसाइड मतलब जो लोग लड़की होने पर उसे मार देते हैं या गर्भ में पता चल जाता है तो उसे गिरा देते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भारत का सेक्स रेशियो बहुत खराब हो चुका है। 68 करोड़ मर्दों में सिर्फ 63 करोड़ महिलाएं हैं, मतलब 5 करोड़ मर्दों का आज की डेट में क्या होगा पता नहीं, आगे ये और भी बुरा हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। लड़कियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस दुनिया को चलाने में। जो लोग मुझसे सहमत है कमेंट करके अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है?
विटामिन ई स्किन के सेल्स को मरने से रोकता है, मतलब स्किन में रिंकल से बचाता है। खाने में विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मछलियाँ खा सकते हैं। कुछ मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अखरोट खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, ब्रोकली, टमाटर, सोयाबीन खा सकते हैं। ग्रीन टी में भी विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे स्किन स्मूथ और रिंकल फ्री हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए। फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको खुजली रात के टाइम पर होती है तो आप ये मलहम, ऑनाबेट नाम से आती है, इसको एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। इसको सुबह नहाने के बाद स्किन को ड्राई करके यूज करना है और रात को सोने से पहले लगाना है। और भी एंटी फंगल दवाइयाँ आती हैं, वो हम तब देते हैं जब ये मलहम काम नहीं करती। किसी भी तरह का स्टीरॉयड का प्रयोग मत कीजिए। एंटी फंगल दवाइयों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे टिकटॉक पर जुड़ सकते हैं। शराब के साथ मिर्च, मसालेदार चीजें, चीज, मक्खन, तेल, तली हुई चीजें बिल्कुल मत लीजिए। इन सब को शराब के साथ लेने से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर भी हो सकता है। पेट में पानी भी भर सकता है। लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए।